भाजपा ने वित्त राज्य मंत्री एवं हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ विपक्ष नेता द्वारा संसद में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कड़ा एतराज जताया है और कांग्रेस नेता अधीरंजन का पुतला फूंका। भाजपा ने जिला के सभी मंडलों में पुतला फूंककर अपना रोष व्यक्त किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि इस तरह की ओछी टिप्पणी प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी तथा कांग्रेसी नेता को इसका करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ने अनुराग के साथ साथ हिमाचल के लोगों का अपमान किया है, जिसे हिमाचल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और अपना गुब्बार निकाला। एपीएमसी हमीरपुर के चेयरमैन एवं पूर्व भाजपा जिला महामंत्री अजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेसी नेता अधीरंजन चौधरी की ओर से हिमाचल के युवा सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के संबंध में अभद्र एवं असंस्थीय भाषा का प्रयोग करना अति निंदनीय है। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है। कई संस्थानों ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मानों से नवाजा है। अजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री सांसद के तथ्यों के आधार पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस नेता अधीरंजन चौधरी ने नेहरू गांधी परिवार का हितैषी होने का ड्रामा करने के लिए अपना आपा खो बैठे और उन्होंने सांसद अनुराग ठाकुर के विरुद्ध अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके लिए उन्हें जहां सदन से माफी